अगर आपका शनि अष्टम घर में हो तो ये हमें क्या फल लेके देता है? सबसे पहले शनि अष्टम घर में अच्छा नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि शनि 12वें घर में, 6ठे घर में और 8वें घर में, कोई भी ग्रह जो है इस तीनों घर में कुछ कंडीशन में अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि शनि अगर 8वें घर में हो तो ये शुभ नहीं होता है, ये कभी भी आपको मोटा कर सकता है, कभी भी पतला कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका शनि बैठा हुआ है तो ये लोग कभी कभार धोखा भी दूसरे को दे सकते हैं या धोखा खा भी सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी दृष्टि के बारे में। तो दृष्टि जो है, हम शुरू से ही बताते आए आप लोगों की को कि इनकी तीन दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और दसवीं। तो तीसरी दृष्टि यानी कि 1 2 3, अब ये तीसरी दृष्टि यहाँ पे होने के बाद आपको हृदय रोग की संभावना हो सकता है। और ये कर्म अगर जो आप एक्शन करते हैं उसमें आदमी एक्टिव होता है, जो भी काम करते हैं, जो भी जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उसमें आदमी एक्टिव तो होता है, लेकिन उसको कर्म के हिसाब से फल नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में देखना पड़ेगा कि उसकी दशा या महादशा अभी क्या चल रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर पढ़ने के बाद ये धन बनाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शनि अष्टम भाव में बैठने के बाद। और आप जो भी बोलेंगे, चाहे वो परिवार वाले के साथ बोले या किसी से बोले, तो वो लगेगा कि दूसरे आदमी को ये खराब ही बोल रहा है। तो इस स्थिति में शनि से रिलेटेड जो उपाय है वो हमें करना पड़ता है। और दूसरा है इसकी दसवीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अब इस घर पे अगर देखता है, यहां से अगर इस घर पे अगर देख लेता है शनि, तो इस स्थिति में क्या होता है, संतान जो होगा वो आपका बात तो मानने वाला होगा, लेकिन हो सकता है वो आपसे दूर रहता हो। संतान सुख में कमी भी देखा गया है इस स्थिति में। तो हम इसमें बताएं कि शनि के बारे में, और शनि जो है उच्च किस में होता है, तो तुला में 7 नंबर में अगर शनि बैठा रहेगा तो ये उच्च का होता है, और 1 नंबर में जब शनि बैठा रहेगा तो ये नीच का होता है। इस स्थिति में हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है। शनि अगर डिग्री वाइज अच्छा है तो ये जो फल मैंने बताया है इसमें थोड़ा सा बढ़ाव हो सकता है, अगर शनि डिग्री वाइज कमजोर है तो ये फल में, क्योंकि मैंने आज निगेटिव के बारे में ही बात किया, तो आप कुंडली, जो भी आपका कुंडली है उस कुंडली को कहीं भी आप प्रिडिक्शन करवाइए तो शनि की दशा या महादशा, या आप खुद सीखे हुए, क्योंकि हम आपको सिखाने का काम कर रहे हैं, तो खुद अगर सीखे हुए हैं तो आप दूसरे शनि की दशा या महादशा की अगर में हैं, शनि के छोड़कर, तो शनि की अंतरदशा या प्रत्युत्तरदशा में आप जरूर ध्यान दें। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप नुमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।